रामगढ़ के अंबेडकर चौक में सैकड़ों जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। वहीं मौके पर पुलिस ने पुतला को छीना। बता दें आपको कि ऋचा जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी की बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी की पत्नी है। ऋचा जोगी जन अधिकार यात्रा के लिए अकलतरा विधानसभा में पर्यवेक्षक बनी है और जोगी जन अधिकार यात्रा के पहले ऋचा जोगी पर FIR से जोगी कार्यकर्ता बौखला गए हैं, जबकि कोर्ट में ऋचा जोगी की जाति संबंधित प्रकरण विचाराधीन है। बावजूद बिना कोर्ट आदेश FIR को जोगी कांग्रेस गलत बताकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कायराना हरकत बता रहे हैं। आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी का पुतला दहन कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का अत्याचार इतना बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में कि नारी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक बच्चे की महतारी है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र आरोप लगा के फर्जी आरोप लगाकर FIR कर दिया गया है। बिना कोई कोर्ट के आदेश के FIR कर दिया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे हैं और आगे और विरोध करेंगे। जहां इन लोग को मालूम हुआ है कि योगी जन पद यात्रा चालू हो रहा है हम लोग का, तो उसको देखते हुए डर में दहशत में आ गई कांग्रेस सरकार और हमारे पर्यवेक्षक हैं अकलतरा के ऋचा जोगी जी, उसके ऊपर FIR कर दिया फर्जी रूप से।